एंथनी गिडिंग्स ने कहा था, जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं, कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। तो आज हम सब तरफ जो भारत में या कहीं पर भी देश में देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि आज का युवा जो वास्तविक समस्याओं को देखना ही नहीं चाहता है। आपके गांव में क्या समस्या है? पानी की समस्या है, जमीन की समस्या है, तालाब की समस्या है, खेती बाड़ी की समस्या है। तो वो उन समस्याओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो अपनी कोई काल्पनिक जॉब के लिए संघर्षशील है, जो उसे कभी मिलती नहीं है, और मिल भी जाती है तो उसका परिणाम पश्चाताप ही होता है अधिकतर। जबकि भारत में इतनी मूल समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए हम आधुनिक युवा अगर प्रयत्न करें तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो समाजशास्त्री समस्याएं हैं, वैज्ञानिक समस्याएं हैं, आज लोगों के पास जमीन की कमी है तो नए जमीन के भीतर घर बनाने की, पानी के ऊपर घर बनाने की, समुद्र के ऊपर घर बनाने की तकनीक का विकास किया जा सकता है, उसके बारे में नहीं सोचता है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ नहरें बनाना, जल पहुँचाना, तालाब बनाना, ऐसी योजनाओं पे काम करने की युवाओं को आवश्यकता है, पर वो उनके बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वह लाखों रुपए अपने कंपटीशन की तैयारी में, पढ़ाई में लगाकर सिर्फ हताशा को प्राप्त करता है। इन मूल विषयों पर काम कर, जैसा कि प्राचीन समाज में होता था, एक गांव पूरा आत्मनिर्भर होता था, जैसा गांधी जी कल्पना करते हैं ग्राम गणराज्य की स्थापना का, तो उसमें वहाँ के लोग वहाँ की समस्याओं का बड़ी चतुराई से, वैज्ञानिक तरीके से, बुद्धिमत्ता से हल निकालते थे। परंतु आज का युवा गांव की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है, अपने शहर की तरफ नहीं देखता है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि वह किसी भी पढ़ाई करके जॉब प्राप्त कर ले, और वो भी अधिकतर युवाओं को नहीं मिलती, क्योंकि 1,000 पे एक व्यक्ति का चयन होता है, लाखों पे एक का होता है। जॉब के लिए संघर्षशील युवा के बजाय जॉब देने वाला युवा बनने की आज आवश्यकता है, जो दूसरों को रोजगार दे सके। हर जगह भारत में इतनी समस्याएं हैं जिन पर काम किया जा सकता है और उसे रोजगार भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन समाज में एक ही गांव में बड़ाई नाई सभी समुदाय के लोग रहते थे और गांव की समस्याओं को सुलझाते थे। जुलाहा सभी जातियों के लोग बड़े प्रेम से रहते थे और उस गांव की, नगर की समस्याओं को सुलझाकर बड़ी प्रसन्नता से रहते थे, और उस युग में भारत सोने की चिड़िया भी था। लेकिन वर्तमान में हम कर्ज लेने वाले मनुष्य होते जा रहे हैं और वह कर्ज कभी उतरता नहीं है, और उस पीड़ा में कई गलत कदम युवा उठा लेते हैं। भारत में हर जगह इतनी समस्याएं हैं, उन पर वैज्ञानिक तरीके से, समाजशास्त्रीय दृष्टि से कार्य करके उनका हल निकाला जा सकता है और उन समस्याओं को हल किया जा सकता है और रोजगार भी प्राप्त किया जा सकता है। उन पर देखने की आवश्यकता है, उन पर विचार करने की आवश्यकता है, इनोवेशन की आवश्यकता, नवाचार की आवश्यकता है, तो यह देश वापस सोने की चिड़िया बन सकता है।